हेलो सो मेरा नाम फजल, आपने मेरे क्यूरी टेक जो चैनल दोस्तों। आज की वीडियो मैं रिव्यू करूंगा टेक्नो के लेटेस्ट मॉडल, जो कि अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ, रिसेंटली इसका प्राइस भी आया और आपका भाई इसका रिव्यू भी लेके आ चुका है अपने इस चैनल पे। तो इसका मैं आपको मॉडल नेम बताता हूँ, इस फोन का मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो इसका जो मॉडल नेम है वो है टेक्नो स्पार्क 70। तो इसका जो मॉडल नेम है आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि जब आप इस फोन को परचेज करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस फोन को परचेज करने में। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले हम इस फोन के फीचर्स की बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको उसका प्राइस भी बताऊंगा। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर आप ये परचेज करना चाहते हो टेक्नो स्पार्क 70, तो ये वीडियो सब आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इस फोन की डिस्प्ले की बात करें, इस फोन में हमको डिस्प्ले जो है कितने इंचेस की देखने को मिल जाती है। तो मैं बता दूं, इसकी जो डिस्प्ले वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, डिस्प्ले हमें 6.5 इंचेस की एलईडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले हमको इस फोन में देखने को मिल जाती है। दूसरे साथ ही अगर हम लोग फोन के प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर हम लोग को इस फोन में कितना देखने को मिलता है, अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है कि नहीं। तो मैं बता दूं, इस फोन में हम लोग को ऑक्टा कोर मीडिया टेक हीलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही प्रोसेसर है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोन के रैम की रोम की बात करें, मतलब कि एक्सटर्नल उसकी इंटरनल स्टोरेज की बात करें, तो उसमें मैं बता दूँ इस फोन में हम लोग को जो रैम वो 4GB देखने को मिल जाती है, वहीं पर जो इस फोन की जो रोम है वो हमें 64GB की देखने को मिल जाती है इस फोन में। अब साथ ही अगर हम इस फोन के रियर कैमरे के फ्रंट कैमरे की बात कर लें, तो जो मैं बता दूँ इस फोन के फ्रंट कैमरे की बात करें, फ्रंट कैमरा भी हम लोग को सिंगल ही देखने को मिल जाता है, वो है 8 MP का सिंगल कैमरा हम लोग को इसमें देखने को मिल जाता है। अब साथ ही हम लोग इस फोन के बैटरी कैपेसिटी की बात करें, बैटरी कैपेसिटी हम लोग इस फोन में कितनी देखने को मिलती है, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इस फोन में बैटरी कैपेसिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है बाकी फीचर्स के हिसाब से। इसमें जो बैटरी कैपेसिटी वो काफ़ी मस्त देखने को मिलती है। उसमें बता दूँ इस फोन में 6000 mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है, क्योंकि जो काफ़ी सही है, 6000 mAh काफ़ी ज़्यादा सही बैटरी बैकअप हम लोग को देखने को मिलता है। दूसरे ज़्यादा हम लोग इस फोन के वेट की बात करें, तो वेट हम लोग को इस फोन में कितना देखने को मिलता है, उसमें बता दो इस फोन में हम लोग अप्रॉक्स 202 grams का वेट देखने को मिल जाएगा, जो कि थोड़ा लाइट वेट है फोन, कोई ज़्यादा हैवी फोन नहीं है, लाइट वेट ही फोन हम लोग को देखने को मिलता है। अब चाहते हैं हम लोग इस फोन के फिंगरप्रिंट की बात करेंगे, हम लोग इस फोन में फिंगरप्रिंट कहाँ पे देखने को मिलती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट या फिर बैक फिंगरप्रिंट या फिर साइड फिंगरप्रिंट। मैं बता दूँ इस फोन में हमको बैक फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाती है, मतलब कि पीछे की साइड हम लोग को इसमें फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाती है। दूसरे साथ हम लोग इस फोन के कलर की बात करते हैं, कलर हम लोग को इस फोन में कितना देखने को मिलता है, जिसमें मैं बता दूँ इस फोन में हमको 3 कलर देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट कलर वो आपको अब स्क्रीन पर शो हो रहा है, सेकंड कलर जो आपको अब स्क्रीन पर शो हो रहा है, थर्ड कलर जो आपको अब स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब उस साथ हम लोग फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, इसमें मतलब कि इसके एंड्रॉयड वर्जन की और इसकी स्क्रीन की भी बात कर लेते हैं, जो कि हम लोग को इस फोन में अगेन हम लोग को इस फोन में हम लोग एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है। और उसके साथ अगर हम लोग इस फोन की स्क्रीन की बात करें, तो इस फोन में जो स्क्रीन है वो हमें HiOS V7.6 की स्क्रीन देखने को मिल जाती है। अब उसके साथ हम लोग इस फोन की प्राइस की बात कर लें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस फोन का मैं प्राइस आपको लास्ट में बताऊंगा, तो अब प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। इसका मैंने आपको लुक भी दिखा दिया है, साथ ही साथ इसके फीचर्स भी आपको बता दिए, तो अब इसके प्राइस को बताने का टाइम आ चुका है। तो मैं आपको इसका प्राइस बता दूँ, इसका जो प्राइस है वो है इंडिया में 8999 rupees का, मतलब करीब करीब आप अप्रॉक्स समझ लो 9000 का हम लोग को इसका प्राइस इंडिया में देखने को मिलता है। आपको एक मैं एडवाइस देना चाहूँगा अपनी तरफ से, आप इसे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों ये जो एडवाइस है वो ये है कि आप अप्रॉक्स 1 week वेट कर लो आप इस फोन को परचेज करने में, तो हो सकता है इस फोन की जो रेंज है वो रेट जो है इस फोन का वो थोड़ा सा और भी कम हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना एक लाइक, अगर आप लोग चैनल पर ना हो तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही अगर आप ऐसी और भी रिव्यू वाली वीडियोस देखना चाहते हो, आप कोई लैपटॉप या फिर एक कोई बढ़िया फ़ोन परचेज करना चाहते हो, तो आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दो, इस प्लेलिस्ट में आपको बढ़िया बढ़िया लैपटॉप प्लस फोन के रिव्यू देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही इस पे भी क्लिक कर देना, इस पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। चलो फिर मिल जाएगी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।